अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने पलाई का रिज़ल्ट दिखाएंगे जो बकरों को 1 महीने के करीब हो चुका है ना। जो जैसे एक बकरा है कोटा का और गुजरी को तो होने का है, तो और एक बकरा खसी और आया है पलाई पे, तो वो आज हम बकरों का आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको अपने जो हमारे फार्म पे पलाई की जो रिज़ल्ट के जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूँ। हमारे फार्म पे जो पलाई के जो चार्जेस है 2500 रुपये महीना है, और उसमें खस्सी हो या अंडूल हो दोनों बकरे आप 2500 रुपये महीने में हमारे फार्म पे पलाई पर रख सकते हैं। और हमारे फार्म का जो एड्रेस है नागपुर 0 माइल से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी पे हमारा फार्म है। और इधर पलाई की जो सर्विस अवेलेबल है, आप अपने बकरे हमारे फार्म पे लाके पलाई पर रख सकते हैं, और 2500 रुपये जिसमें एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। और इसके सिवा आपको जैसे 2500 रुपये देने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। उसमें वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है, उसमें दाना पानी चारा पानी खाना सब उसमें हमारा इंक्लूडेड है। 2500 के अलावा कस्टमर से और कोई भी चार्जेस नहीं है। हाँ, लेकिन बस इतना आपको बता दूँ, बकरे की जो पूरी केयरिंग तो हम करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। और बीमार होने पर, अल्लाह ना करे कोई बकरा बीमार होता है, तो हमारा जितना उसको खर्चा लगेगा वो हम ही करेंगे। हमारे फार्म के द्वारा ही सब खर्चा किया जाएगा। लेकिन इन केस बकरे की मॉर्टिलिटी होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं ले सकते, क्योंकि आप सबको ही पता है जान माल की कोई गारंटी नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में है। तो आप सबसे ये गुजारिश है भाई लोग कि हमारे फार्म पे जो पलाई का अभी 1 महीने के एक महीना जो 1 महीने के ऊपर थोड़े जो बकरे हो चुके हैं, एक बकरा दो बकरे, आज हम उसका आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो फीडिंग टाइम चालू है, अभी समझ जाओ पहला जो 2 बजे का हमारा है, जो सुबह हम लोग जो रूटीन है सुबह हरा चारे से हम लोग चालू करते हैं 9 बजे से, 11 बजे हम लोग भूसी मतलब चने की भूसी, और फिर उसके बाद 2 बजे के एक बार, फिर 2 बजे 11 बजे के बाद फिर एक हरा चारा जाता है, फिर 2 बजे और भूसी वगैरह जाती है। तो हमारा ऐसी रूटीन है जिसमें मक्का भी इंक्लूडेड है। मक्का अभी जाएगा 3 से 4 बजे के बीच में मक्का जाएगा। तो हमारे फार्म हर एक फार्म का अलग अलग अपना अपना सब फंडा है बकरे बनाने का, बकरे तैयार करने का, है ना। और जो बकरे, ऐसा नहीं है कि बकरे कोई भी लाके दे दो और कोई भी बकरे तैयार हो जाए, है ना। बकरे इंशाल्लाह क्वालिटी बकरे लाइए, अच्छे बकरे लाइए जिससे जिसमें ग्रोथ कैपेसिटी अच्छी हो इंशाल्लाह। खिलाई पिलाई उसकी टेक केयर जितनी अच्छी केयर हो सके हम करेंगे इंशाल्लाह, है ना। और जैसे कि हमने आप सब लोगों से वादा किया हुआ है कि जिस दिन 20 से 25 बकरे हमारे फार्म पे पलाई के लिए आ जाएंगे, उस दिन से हम लोग केजेस का काम चालू कर देंगे। केजेस का काम इन द सेंस मतलब कैसा है कि पर्सनल एक बकरी के लिए एक बड़ा केज, है ना, जिसमें एक बकरा सफिशियंट से आराम से खा सके, घूम फिर सके, बैठ सके ये शेड के अंदर। तो आओ हम जैसे आप सबको बताया है कि केजेस का काम चालू करेंगे इंशाल्लाह 20 से 25 बकरे होने पर, तो ऐसा हम इंशाल्लाह करेंगे ही, और पूरे रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने अपने बकरे पे। तो भाई लोग आपसे भी गुजारिश है कि अपने अपने बकरे हमारे फार्म पे लाइए, शौक करिए, है ना। ऐसा नहीं है हमारे फार्म पे कोई कि आप कभी भी फार्म बकरा छोड़ने के बाद, बस इतना है कि एक बार कॉल करके जरूर आइए कि बकरा हमको पलाई पे छोड़ना है या हमारा बकरा पलाई पे है हमको देखना है, तो है ना हमारे फार्म पे आप लाइए और कभी भी आइए इंशाल्लाह। नीट एंड क्लीन पूरा एटमोसफियर है, हरा चारा भी हमारे पास अवेलेबल है, दाना पानी तो खरीदना ही पड़ता है ना। सिर्फ हरे चारे से बकरा नहीं तैयार होता, हरे चारे से सिर्फ उसका एक समझ जाओ एक नाश्ता हुआ हो, नाश्ता टाइप हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया हो, बाकी जो अपने को लगता है शरीर तैयार करने के लिए वो चीज़ तो सब खरीद के खिलाना है। तो हमारे फार्म का जो चार्ज है पलाई का वो 2500 रुपये महीना है, और आप सब हमारे फार्म पे बकरे बकरे ला के रखिए, है ना। आइए मैं आप सबको बकरे दिखाता हूँ अपने जो फार्म पे पलाई के लिए है, अभी फीडिंग टाइम चालू। ये देखिए ये गुजरी जो बकरा है इसको अभी 1 महीना होने का, ये 20 से 25 दिन हुआ है अभी आई है। ये हमारे नागपुर का ही है, नागपुर से आया हुआ ये बकरा है। माशाल्लाह 40-42 हाइट है इसकी, लगभग 42 हाइट है, ज़बरदस्त बकरा है माशाल्लाह खाने वाने में। इसकी खिलाई पिलाई देखो, हमारी फीडिंग टाइम चालू ही है, फीडिंग टाइम चालू ही है हम लोगों का। पेट भर के खिलाओ बकरे, कोई भी तैयार हो ही जाते हैं। ये हमारा जिंक है, ये हमारा खुद का पर्सनल जिंक है, ये सेल के लिए भी अवेलेबल है जिस किसी भाई, लेकिन भाई हम उसको ही सेल करेंगे जो हमारे फार्म पे इसको पलाई के लिए रखेगा, है ना। ये बकरा उसी को देंगे हम जो हमारे फार्म पे इसको रखेगा पलाई के लिए। अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट आया है भाई इसका भी माशाल्लाह से, इसने 1 से 1.5 महीने में ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आया है। और ये भी खसी है,
जो कि हमारे क्लाइंट है उन्होंने रखा है, लेकिन उनको सेल भी करना है ये बकरा। अदंत है भाई ये, देखिए अदंत बच्चा है ये भी, दांतनी की और कानों की लेंथ वगैरह देखिए, खसी है ये ना, और वाइट आइज देखिए, वाइट आइज पे है, जबरदस्त खसी है ये। उनको सेल करना है ये बकरा। तो जिस किसी भाई को चाहिए वो हमारे नंबर पे दिए गए कांटेक्ट करें, या फिर जो डायरेक्ट क्लाइंट का नंबर चाहिए होगा तो उसको मिल जाएगा। और ये हमारा पर्सनल बकरा है, इसको भी सेल करना है इंशाल्लाह। तो आप सबको जिसको भी चाहिए होगा वो कांटेक्ट करें। आइए मैं और बकरे दिखाता हूँ जिसको 1 महीना हो गया है तकरीबन अच्छे से। दिनेश इधर आओ, गरम बकरों की पलाई भी करना बड़ी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन हम लोग आप सबके लिए करते ही है। देखिए देखिए, हम सब आपके लिए सब अवेलेबल कर ही देते हैं भाई लोग, है ना। यही बकरा माशाल्लाह से आया था हमारे पास। ये बकरे का मैं आपको वेट करके दिखाता हूँ, है ना। ये बकरे का मैं आपको वेट दिखाता हूँ, कोटा कोटा का है ये, 48 पे आया था अभी 1 महीना पहले, 1 महीना 6 दिन या 7 दिन हुआ इसको सिर्फ, है ना। ये बकरे को आप देखिए अच्छे से, मैं आपको वेट करके दिखाता हूँ इसको। अभी आदमी को बुलाया आ रहा है वो खाने में, जब दिनेश इधर आओ, ये कोटा वाला बकरा देखाओ, ये कोटा वाला बकरा कांटे पे चढ़ाओ तो इसको वजन करके दिखाओ। इसको कितना दिन हो गया दिनेश साहब? 6 तारीख को आया था, आज 14 तारीख है ना, हाँ 8 दिन ऊपर हो गया, 1 महीना 8 दिन हो गया ना इसका, 1 महीना 8 दिन में इसका आज रिजल्ट लिखते। 40 कितना है? 48 पे आया था। हाँ चलो ठीक है, काटे भी चढ़ाओ देखते हैं इसका वजन। ये सब है, ये देखिए, ये चने की भूसी, ये तुअर, ये मक्का, सब अवेलेबल है दाने में, हम देते ही अपने बकरों को। ये भी तुअर, तुअर की भूसी, ये मोटी वाली है, भिगा के देना पड़ता है, तुअर का दाना है इसमें। सब दाल है, हरा चारा है, और मिनरल मिक्सचर है, पीसा है। ये बकरे का वजन देखो, अभी तो आधा टाइम हो गया, 2 किलो माइनस ही पकड़ो, है ना। जो अगर 2 किलो अभी जो दाना पानी खा के है तो 2 किलो माइनस पकड़ो ये सब आप, है ना। 63 आ रहा है तो समझ जाओ 60 केजी पकड़ो आप 1 महीने में। माशा बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया इसके लिए, है ना। 10 से 11 किलो, 8 दिन 10 से 11 किलो का रिजल्ट आया है। अब ऐसा नहीं है जरूरी कि हर बकरे 10 से 11 किलो का वजन, दिनेश बांध के आ जाओ उसको वन करो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बकरे 10 से 12 किलो का ही वजन के गेन करे, हर किसी की एबिलिटी अलग होगी। अभी इसने फास्ट गेन किया तो इंशाल्लाह हो सकता है ये थोड़ा और कम करे या ज़्यादा करे, है ना। सब मेहनत करना हमारा काम है, रिजल्ट देना, रिजल्ट के लिए कोशिश करना हमारा काम है, अल्लाह का, अल्लाह की मस्ती है सब बाकी। अभी जरूरी नहीं है कि वो हर महीने 10 किलो वजन गेन करे, कभी 5 किलो, कभी 2 किलो, कभी 3 किलो, कभी कभी हो सकता है अल्लाह ना करे कोई बकरा बीमार हो तो रिवर्स भी आ जाता है, तो उसके लिए फिर मेहनत करो, है ना। लेकिन अल्लाह का सेहत दे बकरों को। तो यही है सब भाई पलाई का हमारा रूल रेगुलेशंस। आप सबसे है गुजारिश के बकरे भेजिए हमारे फार्म पर पलाई के लिए।
ये देखिए आप लोग देखिए, जैसे हम बता रहे थे आपको कि जो हमारा जो कोटा अंडुल आया है ना वो 48 पे आया है, तो इसी हमारा रजिस्टर्ड डायरी है जिसमें बकरे आने से पहले सब एंट्री एडमिशन जो भी होता है इसमें होता है। ये हमारा मदीना गोट फार्म के नाम से बना हुआ है। ये एक बकरा है जो अंडू था जो अग्रेसिव बताया था, ये है बहुत, है ना। मैं आपको एक कोटा बताता हूँ, ये एक बकरा आया था, ये तो बकरे इतने चले गए वाला बकरा, ये है जो कोटा आया था। देखिए देखिए गाइस, इमरान भाई इतवारी मत का मस का साथ गोट वेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन है ना, देखिए ब्लैक एंड वाइट 48 kg, 48 kg पे आया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरा था 63 kg पे। दाना पानी अगर हम हटा भी दे, दाना पानी अगर हम हटा भी दे, अगर जैसे आज 2 बजे का आधा टाइम गुजर चुका है खाया हुआ, तो भाई 60 kg पकड़ी है, मतलब 1 महीना 8 दिन में उसने 11 से 12 किलो का वजन माशाल्लाह गेन किया है ना। इंशाल्लाह मेहनत तो ऐसी जारी रहेगी हम लोगों की। ये देखिए हमारा जो नो एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूडेड इन पलाई, और जितने भी हमारे जो है नॉर्म्स एंड कंडीशन ये सब लिखी हुई है, हिंदी में लिखा हुआ बाकायदा, तो ये सब एडमिशन के टाइम होता है हमारे प्रोसेस। ये एक बकरा है आया हुआ है जो गुजरी का है, जिसका 43 IG 73 kg पे आया था, आज अलहमदिल्ला 76 या 77 kg पे होगा, लेकिन उसका 1 महीना तभी होने का है, इसलिए हमने वेट करके बताया नहीं है आपको। जिस दिन उस इंशाल्लाह 18 तारीख को आया था भाई, है ना, जिस दिन 18 तारीख को हो जाएगा तो इंशाल्लाह 4-5 दिन बाद उसकी भी वेट की वीडियो बना के हम लोग डाल देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर गाइज ये थी हम सबकी जो पलाई की, जैसा हम लोग काम करने का जो तरीका है हमारा, ये है हम लोगों का तरीका एक्चुअल में, है ना। क्या दाना पानी एकदम एकदम, अभी जो फुल डाइट है वो तो हमने बताया नहीं, जो मेन मेन हम लोग चलाते हैं अभी, ये हमारे डाइट में जो शामिल है ऊपर ऊपर की चीज़ें, ये हमने आपको दिखा दी है क्या क्या हम लोग देते हैं। और भी दाना है, और भी सब, ठंडी आने वाली है, ठंडी में थोड़ी डाइट प्लान जो है चेंज हो जाएगा हम लोगों का पिलाने का। अब देखिए भाई, जैसा बकरा एक हो या बकरे 100 हो पलाई पे, मेहनत उतनी ही करना है हम लोगों को, है ना। तो जो हमारा पलाई का जो चार्जेस है आपको मैंने बता ही दिया हूँ कि 2500 रुपये महीना हमारा पलाई चार्जेस है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड नहीं है। उसमें वैक्सीनेशन भी बकरों का हो जाएगा, ये बीमार हज़ार जो भी जैसे बीमारी होती है उसका भी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, चारा पानी जो भी है दाना पानी सब उसमें इंक्लूडेड है, और उसका जितना भी जैसे एक्स्ट्रा जैसे टॉनिक वगैरह आता है, लीवर टॉनिक, कैल्शियम हो गया, ये सब भी हम लोग देते हैं बकरों को, तो ये सब भी आ गया उसमें, और अपना हाईटेक हो गया सब, ये कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है आपके लिए, सिर्फ 2500 रुपये आपको देना है, और हमारे फार्म पे आप अपना बकरा रख सकते हैं पलाई के लिए। इंशाल्लाह पूरी पूरी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग पूरी अपनी कोशिश करेंगे और रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे अपने फार्म पे पलाई के लिए। और हमारा जो एटमोसफियर है माशाल्लाह फार्म के आसपास का, ये भी बहुत अच्छा है ना। तो आप अपने बकरे खस्सी हो या अंडू हो, कोई भी बकरा हो, 2500 रुपये में 2500 रुपये महीना दीजिए, और अपना बकरा आप अपने हमारे फार्म पे पाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो हम मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है बकरा भेजिए, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग भेजेंगे भी इंशाल्लाह। तो रखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।